हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर मास्टर पर। दोस्तों, अगर आप अपने पीसी को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों अपने पीसी में विंडोज अपडेट की जो सर्विस है वो वर्क नहीं कर रही है, फिर दोस्तों आपके पीसी में से डिलीट हो चुकी है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा किस तरह से दोस्तों आप सिर्फ एक सिंगल स्टेप में विंडोज अपडेट की सर्विस क्रिएट कर सकते हो और दोस्तों अपने पीसी को अपडेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज और दोस्तों जो विंडोज अपडेट की सर्विस होती है उसको फाइंड करना है। दोस्तों अगर आपके पीसी में वो है या नहीं है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन किसी भी सर्विस को सेलेक्ट करके डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू वाली जो भी सर्विस होती है यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो विंडोज अपडेट की सर्विस यहाँ पे अपने को फिलहाल कहीं भी शो नहीं हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जनरली वो विंडोज टाइम और विंडोज अपडेट मेडी सर्विस के बीच में यहाँ पे आसपास होती है, तो यहाँ पे अपने को शो नहीं हो रही है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे शो हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है उसको, उसके ऊपर जैसे ये सर्विस है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और दोस्तों हो सकता है वो डिसेबल हो तो डिसेबल को ऑटोमेटिक क्लिक ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट आपको कर देना है, अप्लाई करके ओके करके स्टार्ट कर देना। लेकिन दोस्तों अगर आपको शो ही नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, दोस्तों आपको सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद में इस पर डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको दोबारा से यस पे क्लिक करना है, दोस्तों आपको एक बार फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना और दोस्तों यहाँ पे आपका काम हो चुका है। बस आपको आप कुछ भी नहीं करना, आपके पीसी को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट जैसे आप करोगे तो आपकी विंडोज अपडेट की सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको रिस्टार्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लिया, तो चलिए देखते हैं विंडोज अपडेट की सर्विस है वो आई या नहीं आई है। तो सबसे पहले चलते हैं सर्विस में। अभी दोस्तों विंडोज अपडेट की सर्विस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आ चुकी है और दोस्तों ये रनिंग में यहाँ पे शो कर रही है। अभी दोस्तों अपन इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। दोस्तों प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हो ये यहाँ पे रनिंग कंडीशन में, दोस्तों रनिंग कंडीशन में आपको नहीं मिले तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको डिसेबल मैनुअल कुछ भी हो तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर स्टॉप हो तो यहाँ से आपको स्टार्ट पे एक बार क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये रहा अपना सिंपल तरीका जिसके जरिए आप विंडोज अपडेट की सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं अपन सेटिंग के अंदर और देखते हैं विंडोज अपडेट जो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ विंडोज अपडेट, तो दोस्तों चलो यहाँ नहीं मिल रही, तो अपने को चलते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी में। दोस्तों सबसे ऊपर अपने को विंडोज अपडेट की सर्विस मिल जाएगी। दोस्तों मैंने बहुत दिनों से अपने पीसी को अपडेट भी नहीं किया था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो चेक फॉर अपडेट्स पे अपन क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अच्छे से यहाँ पे वर्क करेगी, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके पीसी में मालवेयर्स वगैरह है तो आपको इस वीडियो से हो सकता है इस वीडियो आप ये आपकी वीडियो आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको एक अलग मेथड और ट्राई करना पड़ेगा जिससे आप विंडोज अपडेट की सर्विस क्रिएट कर पाओगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको वो जो वीडियो मेरे चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो चलिए मैं आपको उसके लिए जो कौन सा वीडियो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वैसे देख लेते हैं कौन सा वीडियो है। दोस्तों अगर आपको कंप्लीट वो वीडियो देखोगे तो आप कंप्लीटली क्रिएट कर पाओगे। लेकिन दोस्तों वैसे भी ये इस वीडियो से भी आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपके पीसी जो मालवेयर से जो है अटैक, अगर आपके पीसी में मालवेयर वगैरह ने किसी भी प्रकार का अटैक नहीं किया है तो आप नॉर्मली इसके जरिए भी क्रिएट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन सा वो वीडियो आपको जो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये वाला वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप ये वीडियो देख लोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय।